वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या असाइनमेंट्स क्या है? आप पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, ये फाइव टेक मिस्टर रिजल्ट का चैनल है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो भी इससे स्टडी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें, बेनिफिट मिले ताकि उन्हें। आज का जो लेक्चर है वो इतना ख़ास लेक्चर नहीं है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे। स्पेसिफाई दी सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच वैल्यू, आपने बताना है कि 0.050 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 405.010 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 0.5 में अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 0.0401 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए है ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को देखें। अगर आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आते हैं, नहीं मालूम है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई के सबसे पहले मेरा सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर देखने के बाद, उसको समझे समझने के बाद इस क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करें आप। सिमिलरली एक और सवाल राउंड फिगर का आ रहा है, राउंड फिगर कैसे कैलकुलेशन होगी, आपने ये देखना है। राउंड फिगर होती क्या है, उसके कोई कुछ फ्यू स्टेप होते हैं, ठीक हो गया। एक सवाल दिया हुआ है राउंड ऑफ द नंबर, नंबर आपके पास गिवन है 6.785493 48, स्टेप बाय स्टेप टिल वी गेट अ नंबर अप टू 2 decimal places, 2 decimal places तक आपने क्या करना है, इसको इसका आंसर निकाल के बताना है। व्हेन अ नंबर ड्रॉप, अभी ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये रूल्स अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़े, राउंड फिगर का लेक्चर है फाइटेक के चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें। राउंड फिगर का लेक्चर आप देख लें, समझ लें, या तो फिर ये मैंने आपको एक ब्लॉग दिया हुआ है, इसको देख लें आप, देखें इसको आप अच्छी तरीके से देख लें ताकि आप आसानी के साथ बिल्कुल ईजिली ये रूल्स को याद कर लें। याद करने के बाद इसको राउंड फिगर कर लें। मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है, लास्ट वाले नंबर से देखते जाएं। अगर नंबर 5 से इंक्रीज बड़ा है, जैसे इसमें सबसे आखिरी नंबर 8, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आखिरी नंबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, देखें ये आ रहा है 8। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इस नंबर को क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को इंक्रीज कर देंगे, 4 या 5 कर देंगे। अब ये 5 हो गया, अब ये 5 जो नंबर है, रूल नंबर 2, अगर नंबर 5 आ जाए तो ये ना तो 5 से बड़ा है ना ये 5 से छोटा है, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है भाई, पीछे वाले नंबर को चेक करना है। पीछे वाला नंबर कौन सा नंबर है, 3 इवन है ऑड, अगर ये ऑड नंबर है तो इसको इंक्रीज कर देंगे, और अगर ये इवन नंबर है तो फिर ये वही नंबर रहेगा। इस तरह कैलकुलेशन करते रहेंगे, अगर 5 से बड़ा नंबर है तो वही नंबर बढ़ा देते हैं, पहली कंडीशन। अगर 5 है तो इवन और ऑड की कंडीशन चेक करेंगे प्रीवियस नंबर पर, तो बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। इसके लिए आप मेरा राउंड फिगर का टॉपिक पढ़ें, स्टडी करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक हो गया जी। हम अपने आज के असाइनमेंट में तीसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। जी भाई, कन्वर्ट 2 hours 30 minutes इंटू सेकेंड, आपने कन्वर्ट करना है 2 hours 30 minutes इंटू सेकेंड में। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ये बताना है कि 2 hours 2 hours 30 minutes में कितने सेकेंड होते हैं। ये आपका असाइनमेंट से मैंने एक कंडीशन आपको बता दी है कि सेकेंड से मिनट में जाएंगे
और मिनट्स आवर्स में जाएंगे, डेज में जाएंगे, वीक में जाएंगे, तो ये बुरी कंडीशन है। आपके पास ये कंडीशन बुरी की बुरी आ गई है, तो आप मुझे बताएं 2 hours 30 minutes में कितने सेकंड होंगे। 1 hour के अंदर 60 minutes होते हैं, 60 मिनट में कितने सेकंड है ये आप कैलकुलेट करके बताएं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका आपको आंसर राइट आंसर बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स एडिटर मिस्टर मोहम्मद इरशाद, आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।